बिहार शिक्षक बहाली में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को मौका देने, यानी कि बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को समाप्त किए जाने से बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को घोर निराशा हुई है। वे आक्रोशित है, परेशानी में है, लेकिन इस आपदा में भी कुछ लोग अवसर ढूंढने लगते हैं। ये आपदा जो बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित है, इस आपदा में भी जब अवसर कुछ लोग ढूंढने लगे तो परेशानी होती है, तकलीफ होती है। खान सर पटना में कोचिंग चलाते हैं। खान सर की आज जो भी पहचान है वो बिहार के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं की वजह से है। बिहार के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं ने खान सर को एक पहचान दिया, प्रसिद्धि दिया, और उनसे काफी उम्मीदें हैं कि खान सर छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब शिक्षक बहाली में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है तो खान सर, जो उनका यूट्यूब पे चलता है खान ग्लोबल स्टडीज करके, जब उस पर हमने पोस्ट देखा तो मुझे खासकर बहुत तकलीफ हुई। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हमें मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भेजा, तो मुझे काफ़ी तकलीफें हुई कि खान सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं। ऐसा उन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब भारत के सभी राज्यों के लोग, पूरे भारत के लोग बिहार में शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उसके नीचे वो 799 में बैच बेच रहे हैं, यानी कि बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं पे जो आपदा आई है उसमें खान सर अवसर ढूंढ रहे हैं और एक तरह से कहें तो व्यवसाय कर रहे हैं। ये 799 ये क्या मतलब हुआ प्रचार करने का कि आप कोचिंग बैच बेच रहे हैं? मतलब बिहार के छात्र छात्राएं, लाखों छात्र छात्राएं अभी आंदोलन कर रहे हैं, परेशानी में है, रातों को नींद नहीं आ रही है, और आप बैच बेच रहे हैं 799 मतलब दिखा रहे हैं कि हम सबसे कम में बैच बेच रहे हैं, हमारा बैच खरीदिए। एक लाइन अगर खान सर ये ट्वीट कर देते या कम्युनिटी में लिख देते यूट्यूब पर कि बिहार के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग को बहुत खुशी होती। लेकिन खान सर ने बिहार के छात्र छात्राओं के हित में एक ट्वीट तक नहीं किया, फेसबुक या यूट्यूब पे पोस्ट तक नहीं किया, एक वीडियो तक नहीं बनाया, लेकिन बैच बेचने के लिए सबसे आगे आ गए। ये कितने दुख की बात है। वो खान सर जिनको पहचान बिहार से मिली है, बिहार के पटना से मिली है, खान सर कहां के है? यूपी के है, उत्तर प्रदेश के है खान सर। हम खान सर का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत करेंगे तो आपके गलती में भी हम यहां मिलाएंगे। खान सर आपको जो पहचान मिली वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं की वजह से मिली है। आपको पहचान, आप यूपी निवासी हैं, लेकिन कितने लोग आपकी पहचान जो है यूपी निवासी के रूप में कितने लोगों के बीच में है? आपकी पहचान पटना में आप कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, और बिहार के छात्र छात्राओं ने आपको जो प्रसिद्धि दी उसके वजह से है। आज आपके नाम जो भी लोग जान रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पटना की वजह से, बिहार की वजह से जान रहे हैं। बिहार के लाखों छात्र छात्राओं ने आपको एक पहचान दी और आज आप ग्लोबल टीचर बनना चाहते हैं। आप एक तरह से समझिए तो व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोचिंग चलाइए, मना नहीं कर रहे हैं, कोई भी लोग कोचिंग चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ गलत हो रहा है तो आप कोर्स बेचने लगे। कम से कम एक ट्वीट कर देते, एक पोस्ट कर देते यूट्यूब पे, कम्युनिटी में एक पोस्ट कर देते, फेसबुक पे एक पोस्ट कर देते, आप फेसबुक पे पोस्ट कर देते, ट्विटर पे ट्वीट कर देते कि बिहार के छात्र छात्राओं के साथ सरकार गलत कर रही है, हम लोगों को खुशी मिलती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन जहां कोर्स बेचने की बात आई 799 एकदम बैनर पोस्टर आप लगा दिए, ये बड़े दुख की बात है। बिहार के लाखों छात्र छात्राएं इस चीज से नाराज हैं। खान सर हम आपसे अभी भी आग्रह कर रहे हैं, हम आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप हमसे उम्र में छोटे हैं फिर भी हम आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और आपसे ये मांग कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं कि आप बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के हित में कम से कम एक वीडियो तो जरूर बना दीजिए कि जो मिसाइल जो हटाया गया है वो गलत है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि आपको बिहार के छात्र छात्राओं के हित से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपना कोचिंग चलाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और बिहार के छात्र छात्राओं का आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसका मतलब यही समझा जाएगा। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से हम कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि खान सर क्या कर रहे हैं। हमें खान सर से तो व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम तो कोचिंग भी नहीं चलाते हैं, लेकिन चूंकि खान सर पे भरोसा है लाखों छात्रों का, करोड़ों छात्रों का, छात्राओं का, तो उनको एक ट्वीट करना चाहिए। अगर ट्वीट नहीं कर सकते थे तो कम से कम कोचिंग का प्रचार नहीं करना चाहिए, बैच का प्रचार नहीं करना चाहिए, और ये नहीं लिखना चाहिए कि ये खुशखबरी है पूरे भारत के लिए। ये कौन सा बात हुई, ये कौन सी बात हुई कि पूरे भारत के लिए खुशखबरी की बात हुई कि बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है, और बिहार के छात्र छात्राएं कटोरा लेके घूमे, बिहार की बेटियां बर्तन मांजे, चूल्हा चौका करे, और बिहार के जो बेटे हैं वो बाहर जाकर मजदूरी करें, यानी कि खान सर ऐसा चाहते हैं। शिक्षक है तो शिक्षक की तरह रहिए,
आप इस तरह का बयान मत दीजिए, इस तरह का ट्वीट मत कीजिए, आप फेसबुक पे यूट्यूब पे इस तरह का पोस्ट मत कीजिए कि खुशखबरी है पूरे भारत के लिए। ये बहुत गलत बात है खान सर, आप इस चीज को डिलीट कीजिए और बिहार के छात्र छात्राओं के हित में कम से कम आप एक वीडियो बनाइए।